नमस्कार, राजस्थान पंचायती दुनिया आरपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। बूंदी जिले की हिंडोली पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम सेवा सहकारी समिति डाबेटा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सीताराम गुज्जर की समिति अध्यक्ष पद पर रहते हुए क्या भूमिकाएं रहेगी, आइए सुनते हैं यह खास मुलाकात आरपीडी न्यूज सह संपादक किशन सोलंकी के साथ कैमरामैन सोहन लाल नायक। आरपीडी न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति डाबेटा, जिसके नव निर्वाचित जो अध्यक्ष है सीताराम जी गुज्जर, वो हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि जैसे यहाँ की किसानों ने और जनता ने इनको डाबेटा जो ग्राम सेवा सहकारी समिति है वहाँ अध्यक्ष पद पे चुना है, तो इनसे जानकारी लेंगे कि इनके ऐसे क्या मुद्दे हैं जिनको लेके ये चुनाव मैदान में है और जनता ने इनको इस पद के लायक समझा और पद का ताज जो पहनाया है। तो आइए मिलते हैं सीताराम जी गुज्जर से। सीताराम जी नमस्कार। नमस्कार साहब। सीताराम जी, आपको यहाँ के किसानों ने और जनता ने चुना है अध्यक्ष पद पे, तो आपके ऐसे क्या मुद्दे और क्या मसले हैं जिनको लेके चुनाव मैदान में आए? उनको अपन समय समय पे खाद बीज दिलाएंगे, बिल्कुल, और जो ये ऋण दिलाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, जितनी जितनी तादाद में ऋण मिलेंगे, बिल्कुल उतना उसको उतने ऋण दिलाएंगे कर्जदारों। जी जी, तो जैसे बात करते हैं सीताराम जी, अब की बार आपने देखा होगा आप एक जमींदार हैं और पहले आपका जो वर्क है वो खेती का है, तो आप खेती से जुड़े हुए जमींदार हैं, तो अब की बार आपने देखा होगा खाद की बहुत ज्यादा किल्लत थी, क्योंकि खाद लोगों को मिल नहीं रही थी। यूरिया डीएपी जो 270 रुपए का बैग है वो 500 में खरीद रहे थे, जो 1300 का है वो 2000 तक बिक रहा था डीएपी का। तो अब की बार आने वाले समय में अगर खाद की जरूरत होगी तो आप अपनी समिति में कैसे व्यवस्था करेंगे? ज्यादा से ज्यादा खाद दिलाएंगे और सही रेट में दिलाएंगे, बिल्कुल, वो यूरिया और डीएपी जी इनकी सही रेट में दिलाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि इनका मानना यही है कि जो समय पे हम जैसे बात करें ऑफ सीजन की, तो ऑफ सीजन में भी खाद का स्टॉक करेंगे कि आगे जो फसल वाले समय बुआई के समय किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए खाद के लिए, और जो रेट है दरें हैं खाद की डीएपी की यूरिया की वो सब एकदम बिल्कुल वाजिब दाम है वो लगाएंगे, यानी कि किसान को कहीं लुटना नहीं पड़े प्राइवेट डीलरों के पास। तो जैसे बात करते हैं एसटी ऋण की, एसटी ऋण है जो आज अपनी साख सीमा है जो 1.5 लाख तक की है, और अभी जैसे किसानों को जो एसटी ऋण दिया जा रहा है वो 10,000, 20,000, 30,000 जो जमीन के हिसाब से दिया जा रहा है डीएमआर के हिसाब से, तो कई जगह ऐसा होता है कि रबी और खरीफ में दोनों एक फसल में ऋण बढ़ रहा है एक में कम हो रहा है किसान का, तो किसान कई बार पैसे जमा कराने पड़ते हैं वापिस समिति में, तो वो समय पे आके फिंगर नहीं लगाते हैं और आते भी नहीं है किसान पैसे जमा कराने के चक्कर में, इसलिए वो अवधि पार हो जाते हैं, ओल्डी हो जाते हैं, तो उनके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? जो अवधि पार हो जाए उसको खराब करेंगे, बिल्कुल, उस समय पर जो लेन देन करता रहेगा उनको ऋण समय समय में मिलता रहेगा, जी जी, उनको लाभ कष्टकार उठाता रहेगा जी, जितनी भी आपने कोशिश बिल्कुल कष्टकार लोन दिलावा की आपने जिम्मेदारी जी जी। तो जैसे सीताराम जी बात करते हैं अपने यहाँ के, जैसे बात करें पूरे राजस्थान की और पूरे जिले की बूंदी की, तो इसके अंदर क्या है जो अपना आज समिति ने अगर 1-2 करोड़ लोन दे रखा लोगों को, तो उसका जो इंटरेस्ट है जो ब्याज है 2% जो समिति को मिलता है वो समय पे नहीं आ रहा है, सीसीबी में पड़ा है, सीसीबी नहीं डाल रही है, तो समिति इसके कारण ग्रोथ में जा रही है। और जैसे अपने हिस्सा राशि की बात करें, वो किसानों का पैसा हिस्सा राशि का पड़ा है बैंक में वो समय पे नहीं देने के कारण समितियां घाटे में जा रही है, तो इसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? हमारी समिति घाटे में नहीं जाएगी और हमारे काश्तकार समय समय पे लोन जमा कराते रहेंगे। जी जी, समिति घाटे में नहीं जाएगी हमारी। जी, बहुत ही अच्छा कि इनके प्रयास यही है कि किसी भी प्रकार से हमें अगर एमडी सीसीबी जाना पड़े या मंत्री महोदय से मिलना पड़े तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने देंगे ग्राम सेवा सहकारी समिति डाबेटा में। तो जैसे अभी नव वर्ष चल रहा है 2023 और अभी 26 जनवरी आने वाली गणतंत्र दिवस, तो इस पे आप अपने ग्राम पंचायत और क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई अभी भी तो नए नए विधायक बने जी, इतनी जानकारी तो हमको नहीं है जी, लेकिन जो जानकारी हमको मिलेगी जितनी जितनी पब्लिक को संदेश पहुंचा देंगे। जी, बहुत अच्छा कि जो भी ग्राम सेवा सहकारी के प्रति किस सरकार द्वारा जो भी योजना आएगी वो जन जन तक पहुंचाना इनका मुख्य उद्देश्य रहेगा, और नव वर्ष और आगे गणतंत्र दिवस की
इनकी तरफ से सभी ग्राम पंचायत वासियों और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये थे हमारे साथ खास मुलाकात हमारी सीताराम जी गुजर से। तो आरपीडी न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब।